दोस्त, बीमारी में कब पैसा लग जाएगी है, तो बीमारी पहले हटाइए मेरे भाई, नहीं तो सब पैसा जो है आप लोगों को बीमारी में लग जाएगा। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, सुबह खाली पेट पानी कब पीना चाहिए कि लकवा की बीमारी नहीं होगा। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, जब मुंह सूखने लगे तो तुरंत पानी पीना चाहिए, नहीं तो उसी समय लकवा और फालिश की बीमारी हो जाती है, तो बहुत सभी पैसा जो है हम लोगों को बीमारी में लग जाती है, इसीलिए पानी जरूर पिए। सवाल नंबर दो, कितना उम्र तक बच्चों को भूजा नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, किसी भी बच्चे को 10 साल की बच्चों को भूजा नहीं खिलाना चाहिए। इससे कम उम्र के बच्चों को भूजा खिलाने से उनका दांत में खोरला हो जाता है और बाद में कैंसर पकड़ लेता है। दोस्तों सवाल नंबर तीन, लीवर कब तक खराब नहीं होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, जब तक आदमी पानी खूब पीता है और अमरुद कम खाता है तब तक लीवर खराब नहीं होती है। ज्यादा अमरुद खाने से लीवर जो है वो खराब हो जाती है, तो बहुत सभी पैसा लग जाता है। सवाल नंबर चार, बीमारी में पैसा कब जल्दी जल्दी लगने लगता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, जब खाना खाने का सही नियम नहीं रहता है और कमजोर भोजन मिलने के चलते ज्यादा पैसा जो है वो बीमारी में लगने लगता है, इसलिए अच्छा से अच्छा भोजन खाएं। सवाल नंबर पांच, कौन सा चना का सब्जी खाने से गैस्ट्रिक की बीमारी पेट में नहीं होती है और लीवर सही रहता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, छोटी वाली चना जो है उसकी सब्जी खाइए या सत्तू पिसवा करके खाइए, गैस्ट्रिक की कभी बीमारी पेट में नहीं होगी, नहीं तो बड़ा वाला बीमारी करता है। सवाल नंबर छह, रात में सोने से पहले कौन सा काम जरूर करके सोना चाहिए, इससे क्या फायदा होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, रात में सोने से पहले कोई भी देवी देवता का नाम जरूर लेना चाहिए, इससे घर में माता लक्ष्मी आती है और बीमारी दूर होती है। इसीलिए दोस्तों रात के समय में कभी भी सोएं तो हाथ जोड़ करके किसी भी देवी दुर्गा को सोएं, इससे आपके घर में बरकत होगी, लक्ष्मी माता जो है वो स्वयं आकर के घर में निवास करेगी। सवाल नंबर सात, खाना खाने के बाद कितना देर टहलना चाहिए। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, खाना खाने के तुरंत 20 मिनट तक टहलना चाहिए, तब बिस्तर पर लेटना चाहिए, इससे पेट की कोई बीमारी नहीं होती है और खाना आसानी से पचने लगता है। दोस्तों सवाल नंबर आठ, आदमी ज्यादा गरीब क्यों होते जा रहा है आजकल। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए कि ऐसी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, उचित नियम का पालन नहीं करने के कारण आदमी जो है आजकल गरीब होते जा रहा है। दोस्तों हाथ जोड़ करके मैं यही कहूंगा कि आप लोग उचित नियम का जो है पालन वो जरूर कीजिए। सवाल नंबर नौ, कौन सा अमरुद खाने से लीवर होता है बिल्कुल खराब। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। दोस्तों इसका सही आंसर है, जिस अमरुद में ज्यादा बिया होता है उस अमरुद को कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसी से लीवर जो है वो पूरा खराब हो जाती है और अंतरी में पानी हो जाती है, तो पैसा सब लग जाता है। दोस्तों सवाल नंबर 10, लगातार कितना दिन मछली खाने से लीवर में कैंसर हो जाता है और आंतों में कैंसर हो जाता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, लगातार 3 साल मछली खाने से लीवर में कैंसर हो जाता है, इसीलिए साल में 70 बार से ज्यादा बिल्कुल नहीं मछली खाएं, इससे ज्यादा खाने से बीमारी होती है। सवाल नंबर 11,
किस पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, उससे बीमारी होती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है सागवान के पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे और पीपल वृक्ष के नीचे ठंडी के मौसम में कभी भूल करके भी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों सवाल नंबर 12, भैंस का दूध किस मौसम में खाने से पेट की कोई बीमारी नहीं होती है और शरीर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है ठंडा के मौसम में खाने से भैंस का दूध शरीर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है, और गर्मी के दिन में अगर खाना है भैंस का दूध या दही तो उसमें चीनी डालकर कहीं खाए, नहीं तो बहुत गर्म होता है। दोस्तों सवाल नंबर 13, आंवला खाने से कौन बीमारी कभी नहीं होती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है आंवला खाने से किडनी में बीमारी कभी नहीं होती है और खांसी सर्दी जुकाम बुखार ये आने वाला संक्रमण जितना भी बीमारी है वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आंवला जरूर खाएं। दोस्तों सवाल नंबर 14, मीट खाने से कौन कौन सी चीज मजबूत रहता है शरीर में कि बीमारी नहीं होती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है मीट खाने से हड्डी मजबूत रहता है, मांस मजबूत रहता है, इसीलिए खूब खाना चाहिए और पेट की बीमारी नहीं होती है। दोस्तों इसीलिए मीट जो है हफ्ता में 2-3 बार जरूर खाएं। दोस्तों सवाल नंबर 15, रात में खाना लगभग कितने बजे खाने से शरीर में और पेट में कोई बीमारी और तकलीफ नहीं होती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका सही आंसर है लगभग 8 बजे से थोड़ा इधर या उधर जरूर खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो दोस्तों पेट की तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है, इसीलिए समय से भोजन करें और सही नियम का जो है वो पालन करें। सवाल नंबर 16, दिन में सोने से कौन सा चीज कम हो जाता है दोस्तों शरीर में। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है दिन में सोने से धन जो है वो कम होता है घर में, और घर में बरकत कभी नहीं होती है और याऊ जो है वो छीन होता है, इसीलिए दिन में 1 घंटा से ज्यादा बिल्कुल न सोएं। सवाल नंबर 17, फल खाने से क्या फायदा होती है शरीर में। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है फल खाने से अच्छा खून बनता है और सेहत अच्छा रहता है और बीमारी नहीं होती है और चेहरा जो है वो पूरा साफ और चेहरे पे चमक रहता है, इसीलिए फल जो है वो खूब खाना चाहिए। दोस्तों सवाल नंबर 18, बूढ़े आदमी को कौन कौन सा चीज खिलाना चाहिए। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका सही आंसर है दाल रोटी, दूध रोटी, चना की सब्जी, मीट मछली खूब खिलाना चाहिए बुढ़ापे में कि शरीर में कोई प्रकार की बीमारी आने वाला जो है उसका अंत हो जाए, नहीं तो दोस्तों बुढ़ापे में जो है वो शरीर कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए अच्छा से अच्छा भोजन जो है वो करना चाहिए और कराना चाहिए। सवाल नंबर 19, सेब किसको ज्यादा खाना चाहिए। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है पढ़ने वाले बच्चे को सेब जो है वो ज्यादा खिलाना चाहिए, इससे दिमाग जो है वो अच्छा रहता है और पढ़ाई में कभी भी मन लगता है। जो बच्चा जो है वो दूध या सेब नहीं खाता है उनकी दिमाग जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है और पढ़ने में भी कमजोर हो जाता है, इसीलिए जरूर खिलाएं। सवाल नंबर 20, जीवन में कोई बीमारी नहीं और तकलीफ नहीं होने के लिए कौन कौन सा काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए पूजा पाठ को करना चाहिए और बूढ़े से लेकर बच्चे आदमी से मेल मिलाव रखना चाहिए और किसी के शरीर में ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और खान पान पर खूब अच्छा से अच्छा ध्यान देना चाहिए कि किसी को दिक्कत ना हो और अपने शरीर में कोई दिक्कत ना हो, और पूजा पाठ भी खूब करना चाहिए और किसी को पूजा पाठ में सहयोग देना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी आती है और बरकत होती है। दोस्तों
सवाल नंबर 21, खराब भोजन मिलने से कौन बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका सही आंसर है, अच्छा भोजन नहीं मिलने से पहले लीवर खराब होता है, उसके बाद में शरीर में तरह तरह की बीमारी होती रहती है। इसीलिए दोस्तों अच्छा से अच्छा भोजन करें। आप लोग से हाथ जोड़ करके यही हम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जहां रहें वहां माता दुर्गा जी जो है वो आप लोग को घर में सुख शांति जरूर दें, और आप लोग भी पूजा पाठ करते रहिए और नियम का पालन जरूर करें। जहां भी रहें बने रहें। थैंक यू मेरे भाई और बहनों, दोस्तों।